इतनी घिनौनी सेलर के लिए। तो भाई आज ट्यूजडे का दिन है और मार्केट में फ्लैट ही खुल रही है, तो स्टार्टिंग के स्किप करने की सोचेंगे, देखते हैं आज लॉस होता है या प्रॉफिट। पहले तो है ना अश्विन निफ्टी में एक्सपायरी है, हाँ देखते कैसे रहते हैं। निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे, बट आराम से करेंगे। लास्ट ट्यूजडे याद है? हाँ लास्ट ट्यूजडे बहुत ही 41,000 का लॉस हुआ था जीपी के अकाउंट में, हमें बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, तो इस ट्यूजडे थोड़ा ध्यान से करेंगे ताकि लॉस ना हो, चाहे 5,000 का प्रॉफिट निकले पर 10,000 का भी लॉस ना होने दे। ठीक है, तो निकलते हैं फ्लैट के लिए। आज जीपी भाई रात में तो थोड़ी 70-80 पॉइंट प्लस में भी थी साली निफ्टी 50, अब साली वही आ गई। स्टार्टिंग में तो मैं करूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। निफ्टी का प्रीमियम यार देखना पड़ेगा, पैतालीस पैतालीस खुलेगा अगर वही खोल दे तो। लेट्स सी, वो तो पता चलेगा। एक स्ट्रैडल 45-45 का खुलेगा जहाँ तक लग रहा है, जो कि बहुत ही बेकार है वोल्टेलिटी के हिसाब से। मार्केट में जितनी है जिस हिसाब की है, कोई नहीं, एक दो ट्रेड फंस गई तो सीधे 10,000 रुपए तो आ ही जाएंगे, तो करेंगे ही नहीं हेजिंग साली, सर दर्द ही नहीं होगा है ना, सही जगह वेट करेंगे करने का। चलो निकलते हैं अब फ्लैट के लिए। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग से बोल दो भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फॉलोअर सब्सक्राइबर। गुड मॉर्निंग। तो भाई आज कितना टारगेट है हम भी? आज टारगेट, आज क्या मंडे, वेडनेसडे है ना, ट्यूसडे काली। तो वाले दिन वही 40,000 या 30,000। ठीक है, मार्केट कहाँ खुल रही है? और मार्केट तो 51 पॉइंट नीचे खुल रहा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी की बात करें तो कहाँ खुल रही है बैंक निफ्टी 25 पॉइंट नीचे। छी, इतनी घिनौनी सेलर के लिए। तो आज का तो लॉस भी है 15-20,000 ना लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा ना बढ़े तो अच्छी बात है, 20,000 मैक्सिमम 30, और जो टारगेट रहेगा वही 40,000 या 30,000। ठीक है, और जेपी तुम्हारा बताओ आज का? भाई देखो, मैं तो बोल रहा हूँ 10,000 का लॉस, 10,000 का प्रॉफिट। ठीक है, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं। और अक्की तुम्हारा 3,000 का प्रॉफिट और 2,500-3,000 का लॉस। ठीक है, ठीक है भाई, तो देखते हैं कैसे रहता है दिन। ओमवीर क्या लगता है, प्रॉफिट हो पाएगा आज? हाँ, चांसेस तो मॉर्निंग बहुत गंदा लग रहा है। हाँ बात है ना, उस टाइम वही खुल गई, प्रीमियम में बहुत ज्यादा वोल्टिलिटी रहती है, क्योंकि वोल्टिलिटी प्रीमियम, क्योंकि यार मार्केट में वोल्टिलिटी बढ़ गई है, तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है मॉर्निंग के शुरुआत के 15-20 मिनट में इस टाइम। तो देखते हैं तो उससे थोड़ा बचे, ट्राई करेंगे प्रॉफिट करने का, मन करने लगता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग। मिल जाता है, तुमने बोला ना, अरे मेरा ऐसे चला जाना है पहले, दस ही लॉट मार। अरे यार 74-75 ही हो गए, निकाल दी मैंने, लेकिन साला तोड़ भी सारे आ जाएगा, तो आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। ऐसा लग देते हैं सबसे पहले वहीं जहाँ लिया था 200-263 पे। ये भी चला ही जाएगा, कॉस्ट पर रख दिया। चलिए शुरू करते हैं, इससे थोड़ा 5-6,000 मिल जाए तो कुछ नहीं मिला एसएल कॉस्ट पर होने के बाद। 265 चल रही है अभी, क्या हो गया? कुछ नहीं, चलो अब मारते हैं 20। ठीक है, 20 लॉट 266 एंड 261। अबे कितनी तेज टूटी कॉल, क्या हुआ? 255 रह गई वही ना। हाँ वही, वही मैं मानने वाला था, 264। अबे सिर्फ कॉल लेके बैठा दोनों पे, मारने वाला था 55 देखी डायरेक्ट।
लगवाने ऑर्डर बता देना। नहीं नहीं मान लो तुम्हारा निफ्टी या नहीं जा रही है। रोहित फिन निफ्टी को थोड़ा बगल में करियो पहले। रोहित फिन निफ्टी को थोड़ा बगल में करियो। तुमने ये जाम को मेरी हथेली पे क्यों दिया था पहले? फिन निफ्टी नहीं जा रही है, बैंक निफ्टी। अरे निफ्टी क्या रे, निफ्टी तो खाली भागे जा रही है नीचे। मार दूंगा कॉल बड़ी करके। ये भी नीचे आ रही है, निफ्टी तो सही जा रही है नीचे यार। बैंक निफ्टी कॉल का पुट का लगाओ, उसको बना रहे हैं। पिछहत्तर रख दो पुट का एसएल रख दिया। पुट का भी लगा लेते हैं, 50 ही रख दो पुट का, है ना? 50 टारगेट। पुट का रख दो ना, मैं ऐसे लग दे रहा हूँ 83 का रख दे रहा हूँ ऐसे, है? थोड़ा बच जाएगा तो रुक भी जाएंगे, है ना? चलो यार मार ही देते हैं, 263 वाली कॉल मारो, वरना हम देखते रह जाएंगे। 1 2 ज़्यादा दिख रहा है, तुमने टारगेट बढ़ा देना जो 80 पा जाते हैं ना, क्योंकि पिछली बार मौका नहीं मिल पाया था। अरे वो देते चलो भाई कर लेते हैं। कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ मेरे वो हमारे हाथ में ही नहीं, कुछ करता भी कैसे, वो बड़ी नहीं थी। अस्सी काम चल जाएगा। अस्सी कर दो। अस्सी करनी कितने का है? रास्ती बोला था तुम्हारे हम कर दिया वो तो ना। एक देखा ना जब वो 53 ही होगी, वो 74 पे मरी पड़ी है। बाय हो गई। चलो डालते हैं इनमें, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ जहाँ तक रेजिस्टेंस मिलेगा जरूर एक बार बैंक निफ्टी को। एसएल भी गया, चलो कॉल में डालो, मैं पुट में डालता हूँ। एक और बढ़ेगा क्या? तरी कर दी साले ने। ऐसे क्यों किया फिर, मतलब साले चूते पंती की। चलो 20 16 मारना है। 1 2 3 वी लॉस में शुरुआत है आज 2000 से। कितना चल रहा है तुम्हारा? 200 300। वो बात तो सब ठीक है, उसे नीचे आना तो ये कैसे कर लिया। तो गाइस टाइम हो रहा है 2 बज गए, ठीक है, और देखते हैं कैसे इसका प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, ठीक है। तो जेपी से शुरुआत करते हैं। मेरे से शुरुआत तो जेपी से ही। ये देखो ये कोटा पूरा कराया आज। कल जो प्रॉफिट आया था उसे देने आए आज। हाँ, तो कोई है ना, हो जाता है क्योंकि अच्छा है, ठीक है। हाँ, हाँ, वो ट्रेडिंग भी नहीं है और नॉर्मल वाला। हाँ, नॉर्मल है उसे, ठीक है। और उम्मीद तेरा कितना चल रहा है भाई? 17-18 हजार चल रहा है। प्रॉफिट बहुत ही अच्छा चल रहा है, ये प्रॉफिट बहुत ही अच्छा। देखते हैं 25-30 हजार तक हो जाए, क्या पता। ठीक है देखते हैं कितना होता है, ठीक है। ओके, और अंकित तुम्हारा? कितना? 1500 रुपये लॉस। तो मतलब काफी तेज वोल्टिलिटी आई, इतना सोचा नहीं था। नीचे गई फिर पूरा ऊपर आ गई, इतना सोचा नहीं था इतनी ऊपर आ जाएगी, है ना उम्मीद? हाँ, उसी की वजह से यार थोड़ा प्रॉफिट नहीं आ पाया, उसी वजह से दिक्कत हुई। बट कोई नहीं, सही है, ज्यादा लॉस भी नहीं है, है ना बंदों को। बट ये ज्यादा हो सकता है अगर आप करें तो ट्रेड, अभी लिमिट में ही है, जैसा भी है ठीक है। हाँ अभी लिमिट में ही है, ठीक है। देखो जेपी की रोटी भी सकल वरना उम्मीद का 40,000 हो जाता है ना। चलो ठीक है, आज के लिए देखते हैं, अभी तो यहीं पे ही कर रहे हैं। अब जेपी का कोटा पूरा हो चुका है, अंकित का भी हो चुका है, उम्मीद बचा हुआ है। उम्मीद 50,000 हो जाता है यही सोच के। उम्मीद कितना सोच रहा है, कितना हो जाएगा यार? मार्केट में अभी तो नीचे की पोजीशन है, अगर नीचे नहीं आई तो मे बी 7-8 हजार रह जाए। अगर नीचे आ जाती है तो 30-40 हजार तक हो सकता है, 30 तो हो ही जाएगा। अभी जो 17-18 चल रहा है ना, 30 हजार हो जाएगा। अच्छा सही है, चलो देखते हैं कैसा रहता है फिर आज का दिन। देखते हैं अब ये दोबारा पोजीशन बना रखी है, देखिए उम्मीद पोजीशन एक बार कितने कितने वाली है। 300 वाली कॉल है, 200 वाली पुट है, इस तरीके से है। अगर नीचे आए तो अच्छा प्रॉफिट, और ऊपर गई तो 7-8 हजार पे बुक, ठीक है। लेट्स सी कहाँ कहाँ निकलते हैं। ओके गाइस।
तो गाइस आज तगड़े से मार्केट ने पेल दिया है हमें। नहीं गाइस मार्केट बंद हो चुकी है। मार्केट तो बंद हो चुकी है पर हमें तो पेल दिया ना। यार पेल तो दिया। तो गाइस देखते हैं हमें कितना कितना पेला है और कितना हमने झेला है। ठीक है तो दिखाओ भाई जेपी शुरुआत करो। रात हो गई है। 13,700 रुपए का लॉस आया। तो 10,000 का लॉस सोच के आए थे। बस सोच के आए थे करना 13 था हमें और वो रोक लिया 13 पे वरना कर तो 20 भी देते हम लॉस। कैपेबिलिटी भाई इतने तो हल्के में नहीं भाई। 40 करना से रह गया ये मेरे को अच्छा लग रहा है बस। है ना यार मतलब आज की मार्केट जो चली है उमीर भाई क्या कहना चाहोगे आज की मार्केट कैसी चली है बताइए आप। मार्केट तो खैर ठीक थी मेरे को सही लगा। बात ये हमारा 40,000 प्लस हो सकता था लेकिन भाई हम भी माइनस में चले गए। कितना माइनस में? वो भी बहुत ज्यादा क्योंकि गलतियों का पहाड़ बनाया भाई आज हमने। पहाड़ बोलते है ना। हाँ जिसे बोलते है ना एक अनलिमिटेड गलतियां वो करी आज हमने भाई। तुम्हारा तो खैर मैं नहीं मानता क्योंकि तुमने तो खैर लॉस में मॉर्निंग में हो गया था क्योंकि ऑलरेडी हम प्लस में चल रहे थे तो गलतियों का पहाड़ बना के भाई माइनस 25 कर दिया। ठीक है दिखा दो दिखाने का मन नहीं कर रही पर दिखाने तो पड़ेगा भाई ऐसे सरवाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं भाईयो देखो यार अब किया है तो दिखाना भी पड़ेगा। देखो यार कुछ भी कमेंट मारना है लेकिन गंदा कमेंट मत मारना क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि गलतियां कर दी। ये सब ना इसकी गलती है इसकी मैं बता रहा हूं तुम्हें। इसकी कैसे गलती है? यही पनौती है हमारे बीच में यार खुली नहीं रहा भाई तुम्हारे होते मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। सब इसकी गलती है भाई बता रहा हूं बोल दो। नहीं हो तो गलती है इसने भी नहीं रोका। किसने भाई रोका? नीस ने। नहीं भाई की लिमिट 30,000 है 25 बंद कर दिया अब क्या रोकता। 30,000 माइनस कैसे होते थे पहले ही बोलना था ना। नहीं भाई की लिमिट 30,000 तक तो है ना। ठीक है यार खुली नहीं रहा यार लॉगिन ही नहीं हो रहा यार क्या हो गया 5G चल रहा है क्या ज्यादा तेज स्पीड हो जाती है 5G चलता नहीं है 5G की तो खुल नहीं रहा यार भी नहीं चल रहा यार यार ऐसे अच्छा लगे तो मैं डाल दे रहा हूँ। देखिए ये लॉस चला हुआ है यही हुआ है लॉस 25,000 का स्क्रीनशॉट मैं डाल दे रहा हूँ और जो कि ज्यादा लॉस नहीं है एक ही दिन में रिकवर हो सकता है। रिकवर तो हो जाएगा बस दिक्कत इस बात की है जो हम प्रॉफिट चला गया ऊपर से जो कि 40,000 आराम से हो सकता था बिल्कुल इजीली मुझे नजर आ रहा था होता हुआ लेकिन यार गलती कर दी भाई। थोड़ा रिस्क ले लिया ना ज्यादा। हाँ रिस्क ले लिया। एक तो नहीं बात यह ना मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा था ना वहां पे कॉल शॉर्ट कर दिया 36 स्लॉट्स में तो ऊपर वहीं से जस्ट ऊपर भाग गया वो तो वहां पे ऐसा लिट हुआ ना बहुत दिल से बुरा लगा यार जो कि 40,000 हो सकता था वो बिना फालतू मैंने रिस्क लेके उसको जीरो कर लिया। ठीक है तो मार्केट की माया कोई नहीं समझ पाया। हाँ और हमें पेल लिया आज। चलो यार बताओ पहले नीचे जानी थी तो हमारा कॉल का हैसल क्यों लिया सुबह सुबह 9:30 कॉल करी थी उसका हैसल खा के गई। फिर नीचे भी आई फिर ऊपर आई हमने वो तो नीचे बिल्कुल डीप में नहीं करी थी कॉल शॉट हमने फिर दोबारा 5-6 ग्रीन कैंडल बनने के बाद कॉल शॉट करी हमने सोचा अब तो आएगी नीचे वो और ऊपर चली गई उसने पूरा भूस बना दिया। शुरुआत में सबकी बारात निकाल दी। कोई नहीं कल कोई दिक्कत नहीं है कल प्रॉफिट था लॉस था बराबर हो गया भाई हिसाब बराबर कुछ नहीं क्या कमाया भी हमने क्या लेके आए क्या देके जाएंगे कल से शुरुआत होगी। खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाना है भाई यही है कहानी। देखो कब तक ये महीना कैसे जाता है। पिछले महीने तो प्रॉफिट में था है ना जेपी तुम्हारा कितना था भाई पिछले महीने का जो मेरा प्रॉफिट था वो था 80,000 80,000 के शूज ले ले भाई और अभी तेरा कितना था अभी कम था हमारा भी कम था 1.5 लाख के आसपास मान के चलो। ठीक है तो निकलते हैं यार वीडियो को लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को है ना देखते हैं कल कैसा दिन रहता है। उम्मीद आई होप हमारा अच्छा दिन जाए सबको प्रॉफिट हो है ना और बड़े लॉसों से बचे हम आज का लॉस ज्यादा बड़ा नहीं है बट हाँ इसको रिकवर करने के चक्कर में भी बढ़ाना हो जाए कुछ नहीं रिकवर में यार बस यार हमने तो यार बहुत ज्यादा गलती करी। देखो भाई देखो दिल से बुरा लग रहा है मेरे को खुद मैंने तो बहुत ज्यादा गलती करी यार बट घर पे जाकर सो गया था मैं आते ही फिर अभी भी उठा के लाया भाई जैसे कॉल करा वीडियो बनाने चलो भाई आ गया मूवी मैं तो नहीं सोया मुझे तो नींद नहीं आई मैं तो सो गया था भाई यार मैंने गाने पाने सुने। चलो निकलते हैं ना गाइस वीडियो को लाइक कर दो कमेंट कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो जो भी पूछना चाहते हो आप हमसे। ठीक है गाइस और जल्दी हम मीटअप रखने वाले हैं इस महीने के एंड में रखेंगे। ठीक है तो बाय टेक केयर गुड बाय गुड नाइट।